अस्सलाम वालेकुम। जो लोग अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि उन्हें कभी मर्दाना कमजोरी ना हो या फिर वो हमेशा खूबसूरत और जवान बने रहें, तो वो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अखरोट खाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो लोग एक बार ये वीडियो देखने के बाद मेरे बताए हुए तरीके से अखरोट खाना स्टार्ट कर दें, फिर देखें कि ये अखरोट उनको कितना फायदा देता है। क्योंकि किसी भी चीज को खाने से पहले उस चीज के खाने का सही तरीका, सही मिकदार और सही टाइम पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अच्छे से अच्छी चीज भी आपको फायदा देने के बजाय नुकसान दे सकती है। मतलब जो भी चीज आप खाएं, लेकिन खाने से पहले उस चीज को खाने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है, तभी वो चीज आपको पूरा फायदा देगी। जैसा कि बादाम, अगर आप बादाम खाते हैं, लेकिन अगर आप बादाम को बिना भिगोए खाते हैं, तो आप बादाम गलत तरीके से खाते हैं, क्योंकि बादाम को हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए। इसी तरह जब दिमाग को बूस्ट करने की बात आती है, तो हमेशा अखरोट खाने को कहा जाता है, क्योंकि अखरोट एक तो देखने में भी दिमाग जैसा लगता है और दूसरा अखरोट खाने से दिमाग बूस्ट होता है, तो ऐसा सोचकर हम लोग अखरोट खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी सी गलती करते हैं, हम लोग ये नहीं जानते कि अखरोट को कब खाना है, कैसे खाना है और क्यों खाना है। अगर हमें अखरोट खाने का सही तरीका नहीं पता, तो चाहे हम जितने भी अखरोट खा लें, लेकिन इनसे हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप जान सकें कि अखरोट खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप भी अखरोट जरूर खाते होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि अखरोट आपको पूरा फायदा दे, तो आपको भी जानना होगा अखरोट खाने का ये सही तरीका। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाकर एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए इस तरीके से अखरोट खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो अखरोट खाने का ये तरीका जानते हैं, नहीं तो हम अखरोट जब भी हमारा दिल चाहे उस टाइम खा लेते हैं। जब भी हमें टाइम मिला, जब भी हमारे दिल ने चाहा, उस टाइम एक दो अखरोट लिए और खा लिए, और फिर जब हमें कोई फायदा नजर नहीं आता, फिर हम सोचते हैं कि शायद ये चीज बकवास है, हमें अखरोट खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुदरत की दी हुई चीजों के इस्तेमाल करने का भी एक सही तरीका और सही टाइम होता है, जिससे हमें उस चीज का पूरा फायदा हो। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आखिरकार अखरोट को कैसे खाना चाहिए। अखरोट को खाने के लिए आपको एक गिलास दूध में चार अखरोट की गिरियां लेनी है, यानी कि चार अखरोट और एक गिलास दूध। अब इस एक गिलास दूध में चार अखरोट डालकर इसे अच्छी तरह से उबालें। जब दूध अच्छी तरह उबल जाए, तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा गुड़ डालना है और दूध को दोबारा थोड़ी देर फिर उबालें। और अब आप रात को सोने से एक घंटा पहले इस अखरोट और गुड़ वाले दूध को पिएं। तो ये है अखरोट वाला दूध बनाने का सही तरीका और पीने का सही टाइम, यानी कि रात को सोने से एक घंटा पहले। अगर आप इस तरह से अखरोट खाना स्टार्ट कर देते हैं, तब आप कह सकते हैं कि अखरोट आपके दिमाग को बूस्ट करेगा। और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए ही अच्छा होता है। अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके से अखरोट खाते हैं, तो दिमाग ही नहीं, इससे आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आप आज से ही इस तरीके से अखरोट खाना शुरू कर देंगे, तो इससे आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत होने लगेगी, क्योंकि अखरोट में विटामिन ई होता है, और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे एक तो हमारी स्किन टाइट होगी, जिससे हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे, और इसके अलावा अखरोट आपके बालों को झड़ने से भी रोकता है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अखरोट खाएंगे, तो इससे आपके बाल मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल झड़ते हैं, तो वो झड़ने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि बालों के झड़ने की एक मेन वजह विटामिन ई की कमी होती है, और अखरोट में विटामिन ई भरपूर मिकदार में है, जिससे आपके बालों को झड़ने से ये रोकता है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज रात को सोने से एक घंटा पहले अखरोट वाला दूध पिएंगी, तो इससे उनको होने वाले बच्चे का दिमाग तेज होगा। अगर आप चाहते हैं एक तेज दिमाग वाला बच्चा, तो आप अखरोट वाला दूध जरूर पिए। अखरोट वाला दूध पीने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अगर आप छोटे बच्चों को अखरोट वाला ये दूध पिलाते हैं, तो इससे उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। अखरोट वाला दूध पीने से आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा। ऐसे मर्द जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है,
तो उनको अखरोट वाला दूध जरूर पीना चाहिए। इससे उनका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा और उन्हें कभी मर्दाना कमजोरी भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये है अखरोट खाने का सही तरीका और सही टाइम। तो आप मेरे इस तरीके से अखरोट वाला दूध बनाएं और इसे पिएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें।